press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेसी कैंपस। और आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आपके पास दो या तीन क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग पहले समझते हैं कि होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एप्पल, और एप्पल को किसी कोड लैंग्वेज में कोड कैसे करेंगे। सो हो सकता है कि एप्पल को यहाँ पे हमने फिर से कोई अल्फाबेट्स नोट किया हो सकता है यहाँ पे हमने कोई नंबर्स दिए हो। ठीक है, तो अगर अल्फाबेट की फॉर्म में लिखे हैं तो हमने इसे लिख लिया बी क्यू क्यू एल और एफ। ठीक है, तो उसने जैसे क्वेश्चन दिया हमारे पास कि एप्पल को हमने ये लिखा हुआ है, देन बनाना को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली होता क्या है कि एक हमारे पास वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड को कुछ कोड करके लिखा हुआ। कोड में आपको पहले भी कहा मैंने आपको, कोड अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोड कोई नंबर हो सकता है, कोड कोई सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि इससे ये लिखा क्यों गया है। ठीक है, मीन सबसे पहले आपको डीकोड करना है। एक बार डीकोड हो गया, ये प्रोसेस पता चल गया हमें कि इससे ये कोड कैसे बना हुआ है, देन सेम प्रोसेस आप इसमें भी फॉलो करेंगे और इससे भी वही कोड बनाएंगे। तो इसमें चेक करेंगे हम, तो हमने चेक किया ए से बी बना है ये, सो प्लस वन हुआ है, पी से क्यू प्लस वन, अगेन पी से क्यू प्लस वन, एल से एम प्लस वन, और ई से एफ प्लस वन। दैट मीन्स एक एक अल्फाबेट सिर्फ हुआ। आगे इसमें भी कर सकते हैं, बी के बाद सी आएगा, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, देन ए के बाद ई, सॉरी ए के बाद अगेन बी, एन के बाद ओ, और फिर से ए के बाद बी। तो हमारे पास बनाने का कोड क्या हो जाएगा, सी बी ओ बी ओ बी। ठीक है, इस तरह से हम इसमें कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं सिंपली। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहां पे है, इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज एन बी ई एस बी टी। ठीक है, उसने एम ए मद्रास को, जो मद्रास है उसको कोड लिखा हुआ उसने, अगर चेक करें हम, उसने लिखा एन बी ई एस बी टी, एन बी एस बी टी। ठीक है, एन बी एस बी टी, हाउ इज बॉम्बे कोडेड एज इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो बॉम्बे को आप क्या लिखेंगे, इसी कोड लैंग्वेज मींस कि जो प्रोसेस इसमें फॉलो हुआ है वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और बॉम्बे का कोड बताना सिंपली कि यदि अगर मद्रास को किसी कोड भाषा में क्या लिखा गया है, एन बी एस बी टी लिखा हुआ है, तो आपको बॉम्बे को सेम वही मतलब सेम कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें चेक करेंगे कि एम के बाद एन आता है प्लस वन, ए के बाद बी प्लस वन, डी के बाद ई प्लस वन, सब में प्लस वन हो रहा है, तो सेम है आप इसमें बी के बाद सी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद पी, और वाई के बाद जेड। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पी एन सी बी जेड। ठीक है, सिंपल है, जरूरी नहीं है कि ये प्लस वन ही हो, आपका माइनस वन भी हो सकता है, मतलब बैकवर्ड में भी अल्फाबेट्स जा सकते हैं, और इससे ग्रेटर भी हो सकता है, मीन्स एम के बाद यहाँ प्लस वन ही नहीं, प्लस टू प्लस थ्री भी हो सकता है। ठीक है, आगे अल्फाबेट्स और भी आगे जा सकते हैं। क्लियर, तो हमारे पास अभी ट्रिपल के लिए कोड लिखा हुआ था यहाँ पे एस क्यू एच डबल ओ डी डबल ओ के डी। ठीक है, सेम एज हमें कोड लिखना है डिस्पोज के लिए, डी आई एस पी ओ एस ई। ठीक है, जैसे ट्रिपल के लिए कोड लिखा हुआ है एस क्यू एच ओ ओ के डी, वैसे हमें डिस्पोज के लिए लिखना है। सेम एज फिर से चेक करते हैं कि इसमें क्या कोडिंग हुई है, सेम कोडिंग हम इसमें भी करेंगे तो हम उसका कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे आप, तो देखो टी से पहले एस आता है एस टी, सो माइनस वन हो रहा है, ऐसी क्यू, आर से पहले क्यू आता है, ठीक है, आई से पहले एच, पी से पहले ओ, पी से पहले देन ओ, फिर के से वो एल से पहले के, और ई से पहले डी। दैट मीन सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या हो रहे हैं, माइनस वन हो रहे हैं, प्रीवियस अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं हमारे। ठीक है, तो डिस्पोज में भी हम सेम एज प्रीवियस अल्फाबेट लिख सकते हैं, सो डी से पहले सी आ जाएगा, ठीक है, एच आई आर एस ओ पी, और ओ से पहले एन, फिर आर एस और डी ई। ठीक है, सी डी
HIRSOPNORS और D, तो इस तरह से हमारा कोड क्या हो जाएगा, CHRONRD, क्लियर। तो इसमें हम इसका कोड लिख लेंगे, ठीक। इसी तरह से हमारे पास इसके आगे क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसमें देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कोड लिखा है मंकी के लिए कोड गिवन है, मंकी के लिए हमारे पास कोड गिवन है, वो दे रखा है SXDJMNL, ठीक है। मंकी के लिए ये कोड गिवन है और हमें बताना है टाइगर के लिए कोड, ठीक। फिर से वही आपको फाइंड आउट करना है कि ये कोडिंग क्या हुई है, और सेम हम इस पर टाइगर में भी वही करेंगे। तो चेक करते हैं, देखो M और X में रिलेशन नहीं आ रहा, लेकिन आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ से लास्ट Y के लिए जो कोड लिखा है वो क्या है, X, Y का प्रीवियस अल्फाबेट। ऐसी E से, E के लिए जो कोड लिखा है D, क्या आता है E से प्रीवियस अल्फाबेट, मतलब E का प्रीवियस अल्फाबेट। रिवर्स में कोडिंग हुई है लेकिन प्रीवियस अल्फाबेट्स लिखे गए, ठीक है ना। Y से पहले X, E से पहले D, K से पहले J, ऐसी N से पहले M, O से पहले N और M से पहले L, प्रीवियस अल्फाबेट लिख रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो किसमें कर रहे हैं, हम लास्ट लाइन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी R से पहले क्या आ जाएगा, Q, ठीक है, E से पहले D, G से पहले F, I से पहले H और T से पहले S, ठीक है, ST। तो इस तरह से हमारा इसमें कोड जाएगा। देखो T से पहले हमारा ऐसा आएगा S T H I F G D E, ठीक है, Q एंड R, ठीक। तो हमारे पास टाइगर का कोड ये हो जाएगा। तो इसमें ये प्रीवियस मतलब आपका लास्ट एंड से भी स्टार्ट हो सकता है कोडिंग, बीच में से भी कोडिंग हो सकती है, उसने बीच वाला अल्फाबेट सबसे पहले कोड करके लिखा हुआ हो, तो आपको फाइंड आउट करना होता था किस तरह से कोडिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें है, कंप्यूटर के लिए हमें कोड दिया है COMPUTER, कंप्यूटर के लिए कोडिंग लिखी हुई हमारे पास RFUVQNPC, ठीक है, कंप्यूटर के लिए कोड लिखा हुआ है। और हमें कोड निकालना है मेडिसिन के लिए, MEDICINE, हमें कोड किसके लिए निकालना है, मेडिसिन के लिए, ठीक है। एक बार आप ट्राई करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा ट्राई करें फिर देखते हैं इस पर, ठीक है। अब देखो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कोड देखो, ये R को यहां लिखा हुआ है और C को यहां लिखा है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट्स जो हमारे पास है वो तो सेम है, वो फर्स्ट एंड लास्ट जो लेटर है वो तो क्या है हमारे पास, सेम है। जैसे मेडिसिन में E स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और M कहां चला जाएगा, लास्ट, ठीक। बाकी अगर आप देखें बाकी जो अल्फाबेट्स है, जैसे F लिखा हुआ है वो E का कोड है, सो E के बाद क्या आता है आपका F आता है, ऐसे T के बाद U, U के बाद V, P के बाद Q, M के बाद N और O के बाद P, तो सेम है जिसमें भी रिवर्स में आपके कोडिंग हो रही है, सो N के बाद N, O, I, J, C, D, I, J, D, E एंड E, F, ठीक है। E और M हमारा सेम रहेगा, N O I J, ठीक है, I J C D, I J D E, E F और M, then M, तो इस तरह से हमारे पास मेडिसिन का कोड आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट्स तो सेम थे और बाकी कोडिंग किस मोड थी, रिवर्स मोड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो नेक्स्ट टाइम आपके पास अब कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो देख, क्वेश्चंस आपको देख रहे होंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस इजी से हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारे पास दिल्ली का कोड, अभी तक जो हमारे पास कोड्स थे वो जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स लेटर्स कोड के, जो अल्फा हमारे पास ये वर्ड गिवन है, इसके जो कोड था वो भी हमारे पास किसमें था, लेटर में गिवन था, यहाँ पे जो इनके कोड लिखे हुए थे वो लेटर्स में लिखे हुए थे, लेकिन अब जो कोड है वो किसमें, नंबर्स में। जैसे उसने दिल्ली के लिए यहाँ पे कोड दिया है हमारे पास 73541,
73541 क्लियर। और कलकत्ता के लिए कोड दिया है TTA, कलकत्ता के लिए कोड दिया है 8258962 क्लियर। और वो कोड पूछ रहा है हमारा हमें कैलीकट के लिए, कैलीकट का कोड पूछा गया हमें, कैलीकट का कोड था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस चेक करना है कैलीकट का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सीके में कोड क्या है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ 8, ठीक है ना। यहाँ पे भी चेक करेंगे सी के लिए कोड क्या लिखा हुआ 8, टाइप में सी का कोड क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। ऐसी सेम ए के लिए 2, एल के लिए 5, आई के लिए 1, अगेन सी के लिए 8, यू के लिए आपका 9 एंड टी के लिए 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैलीकट का कोड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, दिल्ली के लिए हमें कोड गिवन ये था, कलकत्ता के लिए कोड गिवन ये था, हमें कैलीकट के लिए निकालना है। अल्फाबेट्स देखेंगे आप तो सेम अल्फाबेट्स इन दोनों से मिला के लिए गए हैं, ठीक। सी के लिए कोड चेक किया हमने 8 था, तो यहाँ पे सी के लिए कोड 8 आ जाएगा, सेम एज ए के लिए आपका 2 आ जाएगा, एल के लिए 5, आई के लिए 1, सी के लिए 8, यू के लिए 9 और टी के लिए 6। इस तरह से हम इसमें कैलीकट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है गिवन है, इसमें रिपल के लिए हमारे पास कोड गिवन है 613382, 613382 हमारे पास रिपल का कोड दिया है। लाइफ का कोड गिवन है, सॉरी लाइफ के लिए हमारे पास कोड गिवन है 8192, क्लियर। लाइफ का कोड क्या गिवन है हमें 8192, तो हमें पिलर के लिए कोड निकालना है, पिलर के लिए कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पिलर के लिए फ्रीक्वेंसी जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हमने चेक किया पी के लिए कोड यहाँ पे 3 है, देख लेंगे आप यहाँ पे पी के लिए कोड 3 यूज हुआ है, सो 3, आई के लिए 1, एल के लिए 8, देन अगेन 8, ई के लिए 2 एंड आर के लिए 6, सो हमारा कोड हो जाएगा 318826, ठीक है। तो इस तरह से आप जो लेटर कोडिंग जो हमारे पास प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए अभी फर्स्ट क्वेश्चंस किए हमने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया उसमें देखेंगे आपने कि जो भी हमारे पास वर्ड गिवन था उसका कोड किसमें दिया है, वर्ड में गिवन है, ठीक है। तो उसमें हमने फाइंड आउट किया कि कैसे लेटर्स लिखे हुए हैं, कैसे कोड हुआ है, और उनको डिकोड करके हमने फिर से अपना जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उससे हमने आंसर लिखे, ठीक। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या था, हमारे पास वर्ड के कोड किसमें गिवन थे, नंबर्स में गिवन थे, तो आप डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।